हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले सैन काल कैपी में और यू नॉक ऑन माय डोर का एपिसोड नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ऐदा अकेली बैठ कर कॉफ़ी ड्रिंक कर रही होती है और उसका कॉल बजता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तभी वहाँ पर सेलिन आती है और फिर ऐदा उससे अपने साथ बैठने के लिए ऑफ़र करती है। तो सेलिन वहाँ पर आकर बैठ जाती है। फिर ऐदा सेलिन से पूछती है कि क्या आप यहाँ हरियोला हैं। फिर सेलिन बोलती है, जब आप हरियोला कहते हैं, मैं इस कंपनी की PRO हूँ, मेरा ऊपर एक कमरा भी है। मैं होल्डिंग के बीच और यहाँ पीछे जाती हूँ। फिर ऐदा बोलती है, ओ मैं इसे भूल गई, सिरकान आपको देखकर बहुत खुश होंगे। एक बार फिर ऐदा का फोन बजता है और फिर वो बोलती है, मेरी चाची तीसरी बार बुला रही है, कुछ महत्वपूर्ण है, शायद मैं जाती हूँ। सेलिन बोलती है, बेशक। ऐदा की चाची है आए, ऐदा बोलती है और फिर हंसने लगती है। ऐदा बोलती है, हेलो मेरी चाची, क्या मैं आपको बाद में फ़ोन करूँ? तो फिर ऐदा की चाची बोलती है, नहीं एक मिनट एक मिनट, आप सिरकान बोल्ट के साथ घर जा रहे थे, मैंने कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें सुनी। फिर ऐदा बोलती है, फिर भी यह जानकारी आपके पास कहाँ से आई? जब ऐदा अपनी चाची को बोलती है, फिर भी यह जानकारी आपको कहाँ से मिली, तब सेलिन उसे देखने लगती है। फिर ऐदा सेलिन को बोलती है, मैंने बस तुम्हें बताया, यह मेरी चाची के कान के पास कैसे पहुंचा, ये जो भी गॉसिप वही है। फिर ऐदा की चाची पूछती है, यह सही है क्या? ऐसा तुम घर जाओ, क्या ऐसा है? फिर ऐदा सेलिन को देखते बोलती है, हाँ मेरी चाची सही है। ऐसे सिद्ध पुरुष को पाकर मैं हारने से बचने के लिए उसी घर में निकलती हूँ। फिर ऐदा फ़ोन रख देती है। फिर मेलो बोलती है, अति उत्कृष्ट, अति उत्तम, अति उत्कृष्ट। फिर मेलो ऐदा की चाची से पूछती है कि वह क्या बोली, वह कहाँ जा रही है अपने घर से? तो ऐदा की चाची बोलती है, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे, अब पता नहीं वह क्या कर रही है। फिर ऐदा और सेलिन को दिखाया जाता है और फिर सेलिन बोलती है, वैसे भी मुझे उठने दो, उसी घर को छोड़ने के लिए मैं सरकार को भी बधाई देती हूँ। सेलिन वहाँ से उठकर जाने लगती है, तभी ऐदा उसे रोकती है और बोलती है, रुक रुको सेलिन मत कहो। लेकिन सेलिन बिना कुछ सुने सीधा सिरकान के पास चली आती है और फिर ऐदा बोलती है, हे भगवान। फिर ऐदा ऑफिस के अंदर आती है और फिर इधर उधर घूमने लग फिर ऐदा ऑफिस के अंदर आती है और इधर उधर घूमने लगती है। और तभी पिरल भी वहाँ से जा रही होती है। फिर ऐदा पिरल से पूछती है, तुम जानते हो कि तुम वहाँ हो? तो फिर पिरल बोलती है, हाँ। फिर पिरल बोलती है, मेरे कपड़े के नमूने अंदर ही रहे, क्या आप उन्हें मेरे लिए ला सकते हैं? फिर पिरल बोलती है, रुको यह आसान है, तुम्हें क्या हुआ? फिर ऐदा बोलती है, क्या आप कभी गैस पर गई हैं और अपने जीवन को एक बड़ा झूठ कहा? फिर क्या वह झूठ आपके पास वापस आया है, या क्या इस कारण से जीवन का रिकॉर्ड भी है? फिर पिरल बोलती है, नहीं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, उसके बाद भूल जाओ। यह बोलकर ऐदा वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान के ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है और फिर सिरकान अपनी चेयर से उठकर बाहर जाने लगता है और गेट के पास ऐदा खड़ी रहती है। फिर जब सिरकान गेट खोलता है तो फिर ऐदा वहाँ खड़ी रहती है। तो फिर सिरकान बोलता है, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। और फिर ऐदा अंदर आ जाती है और फिर बोलती है, एक बार फिर से हेलो सेलिन। फिर सिरकान बोलता है, क्या आप नीचे नहीं बैठते? फिर सिरकान ऐदा से पूछता है, क्या आप नीचे नहीं बैठते? फिर ऐदा इशारा करके बोलती है, नहीं। तो फिर सिरकान बोलता है, नहीं बैठ जाओ। ऐदा आकर बैठने लगते है तो फिर सिरकान बोलता है, हाँ ऐदा, आपने हमारे साथ घर जाने के लिए हमारा निर्णय को समझाया। तो फिर ऐदा बोलती है, हाँ मैंने सिर्फ सेलिन को बताया, लेकिन मेरी चाची ने भी इसे सुनना किसी तरह। फिर सेलिन बोलती है, यह पूरी तरह से गलत है, मैं यह सब वास्तव में मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप घर ले जाने में सक्षम होने के लिए सुबह पार्सल ले जा रहे थे। फिर सेलिन बोलती है, आयदा हनम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह उसी घर में क्यों जा रहे हैं। आपने यह भी कहा कि सरकान का निर्णय, सरकान का विशेष उनकी चिंता करता है, तुमने कहा था कि उससे पूछो। फिर ऐदा सोचने लगती है, फिर बोलती है, क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था। फिर सेलिन बोलती है, वह शायद वहाँ से आपकी चाची के पास गया था, मुझे माफ़ कीजिए। फिर सरकान बोलता है, नहीं यह आपकी गलती नहीं है। फिर ऐदा बोलती है, यह सब मेरी गलती है। फिर सरकान ऐदा को देखने लगता। फिर सेलिन सिरकान से पूछती है, तो आपकी गोपनीय और अकेलेपन से प्यार करता है, उसके लिए यह बड़ा कदम है, बधाई हो। मैं आपको अकेला छोड़ देती हूँ, यह बोलकर ऐदा वहाँ से जाने लगती है। तो फिर सिरकान बोलता है, क्या आप बैठिएगा प्लीज़? फिर ऐदा बोलती है, लेकिन मेरे पास काम है। फिर सेलिन बोलती है, क्या वे सिरकान के घर के लिए हैं? बेशक महिला का हाथ इसे छूता है। फिर ऐदा बोलती है, हाँ यह सीट के लिए पर्दा है। और यह सिरकान हंसने लगता है। फिर सिरकान सेलिन को बोलता है, क्या हम बाद में इस तरह की मीडिया प्लानिंग को छोड़ सकते हैं? जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं दिन थोड़ा व्यस्त बिता रहा हूँ। फिर सेलिन बोलती है, बेशक।
फिर सिरकान अदा को बोलता है, अदा क्या आप रहेंगे? फिर अदा बोलती है, बेशक मेरी जीवन मैं रहती हूँ। फिर सलीन बोलती है, तो मैं आपको अकेला छोड़ देती हूँ। और फिर सिरकान थैंक यू सलीन बोलता है, और फिर सलीन वहाँ से चली जाती है। और फिर अदा आकर सिरकान के पास बैठ जाती है। फिर सिरकान को बोलती है, देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा लगता है। फिर सिरकान बोलता है, क्या ऐसा? हम एक साथ घर जा रहे थे, मुझे नहीं पता। फिर अदा बोलती है, मैंने उन्हें शब्दों का आगमन बताया, बस इसके लिए मैं भूल गई थी, लेकिन वह नहीं भूले। फिर सिरकान बोलता है, आप भूल गए? लेकिन आप मेरी माँ को मेरे पार्सल ले जाने के बहाने बता रहे हैं। फिर अदा बोलती है, क्या बहाना? आपने कहा था कि इन पार्सल को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। फिर सिरकान गहरी सांस लेकर बोलता है, तुम क्या कर रही हो? फिर अदा बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर सिरकान बोलता है, आप मुझे कुछ नहीं बल्कि तकलीफ़ देती हैं। तुम्हें एहसास है कि मैं अभी क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे दूर रहना नहीं चाहती? फिर अदा बोलती है, इससे पहले कि मैं तुम्हें जानती थी, मैं तुमसे नफरत करती थी। साथ ही यह अनुबंध आपके लिए जितना कठिन है, मेरे लिए भी उतना ही कठिन है। मेरा तुमसे दूर रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा मैं वही हूँ जिसे आप जैसे क्षुद्र आहत आदमी को शूट करना है। इसके अलावा ऐसा नहीं हूँ मैं जिसे इस तरह के व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। फिर सिरकान बोलता है, आप मेरे सभी व्यवहार को आपके द्वारा की गई गलतियों का कारण है। फिर अदा सिरकान के पास जाकर बोलती है, मैं आपसे नफरत करती हूँ और हमारे जज्बात आपसी हैं। यह बोलकर अदा वहाँ से चली जाती है। तभी सिरकान बोलता है, तुम कुछ भूल तो नहीं गई? तो फिर अदा पूछती है, क्या? फिर सिरकान बोलता है, तुम्हारे पर्दे। फिर अदा आकर वापस पर्दे लेके जाती है। सिरकान के पापा को दिखाया जाता है, जिसके पास की सिरकान की माँ आती है और बैठ जाती है। फिर बोलती है, अल्पेक्टिन, मैं आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहूँगी जो आपको ने 19 साल में नहीं किया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पिता की तरह काम करो, उसके दुश्मन की तरह नहीं। उसके पिता बोलते हैं, आप क्या कर रही हैं आयतन? मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन यह वह नहीं जानता। फिर सिरकान की माँ बोलती है, तुम उसे अपने से दूर रखते हो, तुम्हें पता है कि लड़की को आपके साथ बैठना परेशानी है नहीं ले जाएगा। इसे संभालना भी शुरू कर दिया है और इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं एलेप्टिकन। मैं सिरकान के पिता बोलते हैं, हाँ मैं हमेशा ही एक दोषी हूँ। फिर सिरकान की माँ बोलती है, आपने वर्षों से सिरकान को निकाल दिया है। जब वह छोटा था, जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह अपने बेटों के सपने नहीं देखते थे। सिरकान के पिता बोलते हैं, हैदान, यह सच नहीं है। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। फिर अदा की सिरकान की माँ बोलती है, वह कभी नहीं था और वह व्यक्ति नहीं होगा जिसे आप चाहते हैं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अपने इकलौते बेटे एलिक्टन को खो देंगे, बोलकर वहाँ से चली जाती है सिरकान की माँ। फिर अदा को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। फिर अदा की चाची अजा से पूछती है, तो आप सिरकान बोल्ट के साथ उसी घर में नहीं जाते हैं? अदा बोलती है, हाँ मेरी चाची, मैं नहीं छोड़ रही हूँ मेरी चाची। फिर अदा की चाची बोलती है, क्योंकि आपने कहा, अपने प्लेट में चम्मच पटकते हुए बोलती है, क्योंकि मैं सिरकान की पूर्व प्रेमिका सैलिन से नाराज़ हो गई थी, यह मेरे मुंह से उसी क्षण निकला। अदा की चाची हंसते हुए बोलती है, आपने अपना मानसिक स्वास्थ्य मेरे बच्चा खो दिया है। अदा बोलती है, हाँ फिर भी अचानक मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। अदा की चाची बोलती है, अचानक नहीं, आपने अपना दिमाग पूरी तरह खो दिया है। मेरी नियमित योजनाबद्ध अदा मुझे सब कुछ बता रही है। उसने एक आदमी को देखा और वह उलझन में थी। सारी दोस्तें ऐदा की चाची की हाँ में हाँ मिला रही थी। तभी ऐदा मैलो को देखती है और मैलो चुप होकर खाने लगती है। ऐदा की चाची बोलती है, मैंने कैसे सीखा कि आप एक प्रेमी हैं? कहाँ से आपने यह सब सीखा? सोशल मीडिया से? फिर बोलती है, ऐसा नहीं है। तो फिर आयफर बहन, आप सही कह रहे हैं। सेरीन और मेलो उसे चुप कराती हैं और फिर ऐदा की चाची बोलती है, देखिए मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप अपने मंगेतर के साथ एक ही घर में जाते हैं या नहीं? अपना सिर घुमाओ, मुझे देखो, देखो मेरी तरफ देखो। क्या आप जा रहे हैं? आप डेटिंग नहीं कर रहे हैं? अदा गुस्से में बोलती है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। तो सब लोग पूछते हैं, क्या? फिर अदा बोलती है, मैं कसम खाती हूँ मैं नहीं जा रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, दोबारा बोलती है। मैलो बोलती है, फिर ठीक है। फिर अदा की चाची बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। अदा की चाची वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर सरीन अदा को बोलती है, अदा चूंकि आप सरकान बोल्ट के साथ एक ही घर में नहीं जा रहे हैं, तो आपने सलीन से कहा कि हम उसी घर में क्यों जा रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर अदा बोलती है, क्योंकि वह अहंकारी थी, वह मेरी नसों पर ऐसे चढ़ जाती है जैसे सरकान को अच्छी तरह जानती हो। सरीन बोलती है, ठीक है तो फिर आप सही हैं।
मेलो बोलती है, देखिए मैं कुछ कहूंगी, आपको पता है कि सेलिन नाम की लड़की उस सेंटीपीड को ऐसे मामलों में मैं कहती हूँ कि सावधान रहें। आप देखें, छूती है कि ऐसी हंसी नहीं, मूड नहीं, चुटकुले वगैरह मुझे नहीं पता। ज्यादा बोलती है खिलवाड़ है ना वीरी फ्लर्टी लड़की। फिर सेलिन बोलती है खैर सरकान क्या कहती है। फिर ज्यादा बोलती है खैर सरकान ने मुझे कुछ नहीं कहा। सेलिन उसकी काफी करीबी दोस्त था आखिरकार, और वह उनके पूर्व बॉयफ्रेंड है। फिर फीफी बोलती है आप सरकान से कहेंगी या तो मुझसे दूर रहें या फिर सेलिन से। खतरा, यह हमेशा किसी भी तरह का काम करता है। फिर मैलो बोलती है बेशक, देखो उसे कहना तो सही है। ऐदा बोलती है फीफी क्या तुमने अभी एक प्रेम रणनीति दी। फिर फीफी बोलती है हम शायद इतना ही जानते हैं। मैलो बोलती है लेकिन यह पहली बार है। फीफी बोलती है ओके ऐसे मत करो, लेकिन आपको कभी नहीं पता लगा। फिर फीफी बोलती है मूर्ख मत बनो, हमारे सिर काम कर रहे होंगे। फिर सरीन बोलती है यह फीफी आश्चर्य की बात थी। फिलहाल फिलची ऐदा की चाची को बुलाती है। अभी सिरकान को अपने पापा के पास आते हुए दिखाया जाता है और वो बोलता है आपने निविदा डोजियर पर हस्ताक्षर नहीं किए। फिर सिरकान के पापा बोलते हैं $1 मिलियन के लिए $3 मिलियन की बहाली की नौकरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं गारंटर बनूँ। हाँ, फिर सिरकान बोलता है हाँ। तो फिर सिरकान के पिता बोलते हैं तो आपको नौकरी क्यों मिल रही है जिसके लिए आप $2 मिलियन खर्च करने होंगे, आपकी तार्किक व्याख्या क्या है। फिर सिरकान बोलता है यहाँ है। वह निविदा डोजियर पर हस्ताक्षर करने के बाद तो फिर सिरकान के पिता बोलते हैं माफ़ करना, मैं अपनी नौकरी से जुआ नहीं खेलता, आपको मुझे गारंटरी देनी होगी अन्यथा मैं आपको एक भी गारंटर नहीं खोज कर दूंगा। फिर सिरकान बोलता है यदि इस निविदा में थोड़ी सी भी समस्या है तो मैं कंपनी को बंद कर देता हूँ और तुम्हारे साथ जोत में काम करूँगा, क्या यह आपके लिए पर्याप्त गारंटी है। और फिर पेन रखता है तो फिर उसके पिता पेन उठाकर सिग्नेचर कर देते हैं। फिर सिरकान धन्यवाद बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर अपने घर के पास आता है तब देखता है कि सेफी जो कि मतलब सिरकान की माँ का असिस्टेंट है वह वहाँ पर प्रेजेंट रहता है और फिर बोलता है लेकिन अब आप मेरी आदत हो जाओ। एक्चुअली में वह सिरकान के कुत्ते से बात कर रहा था। वह सिरकान को देखता है और बोलता है हम इस सीरियस के साथ कभी नहीं मिल सकते हैं, मैंने सफाई करते हुए मुझे काटने की कोशिश की, क्या आपको यकीन है। सिरकान पूछता है तो वो फिर सेफी बोलता है ठीक है वह काटता नहीं था लेकिन ऐसा लगा कि यह काटेगा, यह मुझ पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है, यह मुझे मारता है और यह मुझे घृणा भरी नज़रों से देखता है। वैसे जब पार्सल चले गए तो घर बहुत साफ हो गया। फिर सिरकान सेफी को थैंक यू बोलता है तो फिर सेफी बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐदा हनी मैंने उस सभी को आगे बढ़ाया, एक बकवास लड़की की तरह दिखती है लेकिन यह बहुत मजबूत है। फिर सिरकान पूछता है ऐदा ने किया पार्सल तो फिर सैफी बोलता है हाँ, जब आप सुबह तक नहीं पहुंच सकी तब वह यहाँ आकर सोच रही है, जब आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है वह आपकी बहुत परवाह करती है। सिरकान ठीक है बोलता और फिर सैफी वहाँ से चला जाता है। फिर सिरकान को स्माइल करते हुए दिखाया गया और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 22 और आगे की एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और फिर वॉच टाइम थोड़ा बढ़ाओ गाइस जल्दी। बाय बाय।